आई लाइक द स्लो मोशन एंड अगर वीडियो केयरफुली नहीं देखी गेम क्रैश कर जाएगा। मैं आपको पहले ये चीज़ बता दूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ GTA 5 का ग्राफिक मोड पैक, जो कि आपके GTA San Andreas एंड्रॉइड को पूरा का पूरा बदलने वाला है कुछ GTA 5 के मोड के अंदर इस तरीके से। और इस वीडियो में ये जो ग्राफिक मोड पैक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस ग्राफिक मोड पे में आपको बहुत सारे GTA 5 के जो फीचर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं जो कि आपके रियल GTA 5 के अंदर होते हैं। और इस वाले मोड पे के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि आपको मैं आगे चल करके गेम प्ले के अंदर बताने वाला हूँ कि क्या क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जो कि पिछले जो मैंने ग्राफिक्स मोड पैक दिए थे GTA 5 के अंदर उनके अंदर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा क्या फीचर है जो आपको इस वाले मोड पैक के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। एंड वन मोर थिंग, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि चैनल पे वीडियोस आ रही है। और उसके अलावा जिन लोगों ने बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अपना बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और काफ़ी लोग हैं जो हमारे चैनल पे बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करे हुए हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस कि अपना बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर जिन्होंने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है उसको वापस से बंद करके ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड वन मोर थिंग, अगर ये वाला मोड पैक डाउनलोड करने के बाद में आपका गेम क्रैश करता है तो मैं उसका भी सॉल्यूशंस के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई हुई है। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो जिसमें आपको बहुत सारी सी वीडियोस मिल जाएगी जो कि आपके क्रैश से रिलेटेड होगी। और आप उन वीडियोस को देख करके अपना जो क्रैश है उसे फिक्स कर सकते हो। हर एक टाइप का जो भी क्रैश होता है आपके गेम के अंदर उसके ऊपर मैंने वो वीडियोस बनाई हुई है, तो आप वीडियोस को जाकर देखना मत भूलना। इवन कुछ केसेस में अगर आपको गेम लैग भी करता है तो आप उन वीडियोस को जाकर के देख सकते हो। यहाँ पे मैं बिना टाइम वेस्ट करे गेम प्ले की तरफ लेके चलता हूँ आपको, गेम प्ले आपका कैसा होने वाला है। सो लेट्स गो इनटू द गेम प्ले। ऑलराइट, तो यहाँ पे GTA 5 की कार्स देखने के लिए मिलने वाली, सबके सब जो है GTA 5 की कार्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पे जो रोड टेक्सचर्स है वो तो अमेजिंग है ही, कार हैंडलिंग के सारे फीचर हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे GTA 5 का आपको स्लो मोशन वाला जो फीचर है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। इस फीचर को आप अपने गेम के अंदर बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो क्योंकि ये लिटरली बहुत ज़्यादा आपको अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। GTA 5 का फ़ोन आप देख सकते हो, आपको फ़ोन GTA 5 का मिल जाएगा। GTA 5 के कैरेक्टर्स आप चेंज कर सकते हो बट इन अ यूनिक वे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। फर्स्ट पर्सन में भी आप कुछ ही क्लिक में अपने गेम को फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट कर सकते हो। और तो और आप यहाँ पे कार्स को जो है एक्स इंपोर्ट कर करके और उसके बाद में फर्स्ट ड्राइविंग भी कर सकते हो, जिसमें आपको एक बहुत ही अमेजिंग वाला जो है एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलने वाला है क्योंकि इसके अंदर आप जो है फर्स्ट मोड के अंदर फर्स्ट पर्सन मोड के अंदर आप ड्राइविंग करने वाले हो और उसमें आपको GTA 5 का मैप भी देखने के लिए मिलने वाला है नीचे, तो बहुत ज़्यादा औसम दिखने वाला है आपको। अगर आप इसको जो है सुबह मॉर्निंग के वेदर में आप अपनी कार को ड्राइव करते हो तो और भी ज़्यादा अमेजिंग दिखता है। कार के इंटीरियर्स भी आप देख सकते हो अंदर बैठ करके। और आप चाहो तो यहाँ पे TPP में भी स्विच कर सकते हो, TPP में, जो कि आप फर्स्ट पर्सन में नहीं करना चाहते हो और कार से आप उतरने के बाद में TPP में अपने आप आ जाओगे। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन TPP ऑलवेज। यहाँ पे आपको स्काई बॉक्स भी देखने के लिए मिलने वाला है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। स्काई बॉक्स हर एक ग्राफिक मोड पे के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इस वाले ग्राफिक मोड पे के अंदर आप स्काई बॉक्स देख सकते हो कि एक बहुत ज़्यादा एक यू नो क्लासिक स्काई बॉक्स आपको देखने के लिए मिलने वाला है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लुकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है, जो कि आई थिंक मुझे लगता है बहुत अच्छी डील होगी आप लोगों के लिए ये वाली। और इसके अलावा जो मैप है वो तो आपको रियलिस्टिक देखने के लिए मिलने वाला है और मैप को आप एडजस्ट भी कर सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कुछ क्लोज स्क्रिप्ट की वजह से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्लो मोशन कितना अच्छा हो रहा है, आई लाइक द स्लो मोशन। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप वेदर चेंज करके जो लाइटिंग का मज़ा ले सकते हो वो तो बहुत ज़्यादा औसम है, लिटरली वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग आपको फीचर लगने वाला है इस वाले ग्राफिक मोड पे का। एंड दैट इज़ वाई मैं इस ग्राफिक मोड पे को आप सभी लोगों को प्रीफर करूँगा कि इस वाले ग्राफिक मोड के साथ आप जाओ, GTA 5 के कुछ नए एक्सपीरियंस को यहाँ पे आप लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वाले
पर्टिकुलर ग्राफिक मोड पे के अंदर देखने के लिए मिलेगी। कार्ड्स तो मैंने आपको बता ही दिया जो कि स्पोर्ट्स कार्ड्स है, जो कि डिफॉल्ट GTA 5 के अंदर भी नहीं होती है, लेकिन GTA 5 के अंदर इंपोर्ट करी जा सकती है मोड्स के थ्रू, वो वाले कार्ड्स भी आपको इस वाले मोड पैक के अंदर मिल जाएगी। मैं थैंक यू बोलता हूँ क्रिएटर को जिन्होंने इस वाले ग्राफिक मोड पैक को डिज़ाइन किया है, और उनका जो रिस्पेक्टिव क्रेडिट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहाँ पर जाके उनका भी चैनल चेकआउट कर सकते हो और उनको भी सपोर्ट कर सकते हो। उनको मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा इतने प्यारे मोड पैक को डिज़ाइन करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए। यहाँ पर आप और भी देखोगे कुछ आपको स्पेसिफिक बटन्स देखने के लिए मिलने वाले अपने स्क्रीन के ऊपर, जिनकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। पावर का बटन देखने के लिए मिल जाता है, रीसेट का बटन देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आप उनसे कर सकते हो। अपना फ़ोन निकाल करके आप अपने ऐप्स को भी यूज़ कर सकते हो, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको कुछ जो है बटन से आपको अपना फ़ोन कंट्रोल करना होगा। एंड वन मोर थिंग, जो आप मेरी गेम प्ले के अंदर देख पा रहे हो कि जो मेरे बटन्स हैं वो यहाँ पे आपको इनविजिबल दिख रहा है, क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंट बटन का यूज़ किया है, और जिससे मेरे बटन्स बहुत सारे, जो जितने भी बटन्स थे मेरे, वो सारे के सारे हाइड हो चुके हैं। ऑल्दो वो वर्क कर रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, मैं टच कर रहा हूँ उन्हें तो, बट आपको ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं उन बटन्स को यूज़ कर रहा हूँ और वो इनविजिबल है और मेरे को भी वो नहीं दिख रहे। बट आपको जो ये वाला ग्राफिक मोड पैक मिलने वाला है ना, उसके अंदर आपको जो है नॉर्मल बटन्स देखने के लिए मिलने वाले हैं अपने GTA 5 के, जो कि आप अपने एंड्रॉयड कंट्रोल्स होते हैं अपने, तो आप चिंता मत करिए, आपको ऐसा वाला जो है कंट्रोल्स नहीं देखने के लिए मिलने वाले हैं अपने ग्राफिक मोड पे के अंदर। जितने भी ग्राफिक मोड पे मैं प्रोवाइड करता हूँ उनके अंदर आपको उनके डिफ़ॉल्ट बटन ही देखने के लिए मिल जाते हैं। ट्रांसपेरेंट बटन जो है जस्ट मैं प्रीव्यू के लिए यहाँ पे दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप देख ये भी देख सकते हो कि अपने फ़ोन के अंदर आप मैप को भी ओपन कर सकते हो, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अलावा आप और भी बहुत चीज़ें कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, विच इज़ अगेन रियलिस्टिक थिंग। वन क्लिक में आप FPP मोड के अंदर भी जा सकते हो, विच इज़ मोस्ट अमेजिंग थिंग एंड आई लाइक दिस थिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला ग्राफिक मोड पैक, और रिकमेंड करूंगा काफ़ी लोगों को जो चाहते हैं GTA 5 का एक्सपीरियंस लेना अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, ये वाला जो ग्राफिक मोड पैक था, लेकिन अभी छोड़ के नहीं जाना है वीडियो, अभी इंस्टॉलेशन वीडियो भी, इंस्टॉलेशन पार्ट भी बाकी है, तो अगर वीडियो छोड़ दिए तो इंस्टॉलेशन कहाँ से देखोगे भाई। तो इंस्टॉलेशन पे आते हैं। अब काफ़ी लोग बोलते हैं वीडियो पे इंस्टॉलेशन कहाँ है, तो इंस्टॉलेशन वीडियो पे नहीं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिलता है। मैंने वहाँ पे एक वीडियो बनाई है, आप वीडियो को जाकर के देख सकते हो कि जो भी मोड पैक अगर आप डाउनलोड कर रहे हो मेरे वीडियो से, तो वहाँ पे आपको उस मोड पैक को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, वो उसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है। क्योंकि वो वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि हर वीडियो में अगर मैं ग्राफिक्स मोड पैक का इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा, जो कि सेम होता है हर वीडियो में, तो काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाता है, प्रोसेस बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो मैंने वीडियोस को शॉर्ट रखने के लिए वो इंस्टॉलेशन वीडियो बनाई हुई है। आप जाकर के इंस्टॉलेशन वीडियो देख सकते हो। और अगर आपने कुछ मिस्टेक करी इस वाले मोड पैक को इंस्टॉल करते वक्त, आपका गेम क्रैश होने वाला है, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो केयरफुली। अगर वीडियो केयरफुली नहीं देखी गेम क्रैश कर जाएगा, मैं आपको पहले ये चीज़ बता दूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।